मेरा ना सेलफोन से वो ख़राब हो गया है, जिससे मैं व्लॉगिंग करती थी या जिससे डेली मैं वीडियोस बनाती थी। इस मोबाइल से मैं पहले वीडियोस वगैरह बनाती थी। ज़्यादा आपको पता है इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो ले नहीं सकती अभी। जब कभी यूट्यूब से हम भी कमाने शुरू हो गए तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छी डिवाइस ले लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक माई न्यू अनदर वीडियो। तो क्या हाल है सबको, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो आज मैं व्लॉग तो नहीं है, ये छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कहा चलो वीडियो बना के भी बता देती हूँ। मेरा ना सेलफोन से वो ख़राब हो गया है, जिससे मैं व्लॉगिंग करती थी या जिससे डेली मैं वीडियोस बनाती थी। तो अभी मैं दूसरे मोबाइल से जो है वो वीडियो बना रही हूँ। और मेरे जो है ना इस मोबाइल से मैं पहले वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से अभी मुझे इसमें से सारा डाटा जो है वो सेव करना है और फिर उसके बाद इसको ना सेल करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मैंने कहा सेल कर दूँ, अच्छी कीमत में निकल जाए तो अच्छा है। तो फिर उसके बाद देखेंगे, अगर कोई लिया तो फिर उससे ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी। फिलहाल अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ इसी से आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन आपको शायद लगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही कुछ दिनों तक जब रिप्लेस कर लूँगी मैं अपना दूसरा सेलफोन, तो फिर इंशाल्लाह उससे वीडियोज़ बनाऊँगी दोबारा से। तो मुझे अफसोस तो बहुत ज़्यादा हुआ कि यार ये अच्छी खासी उससे मैं ना आदत बन चुकी थी मेरी उससे वीडियोस वगैरह बनाने की, तो अभी इससे बनाने में ना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो अभी एक ब्लॉग मैंने जो है वो इससे अपने नाश्ते की रूटीन जो शेयर की है वो भी मैंने इसी मोबाइल से अपना वीडियो बनाई थी, और अभी ये वाली वीडियो भी मैं इसी मोबाइल से बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो दुआ कीजिएगा कि अच्छा सेलफोन उसके बदले में मुझे कोई मिल जाए जिससे मैं अच्छी सी व्लॉगिंग कर सकूं। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जितनी मतलब रेंज में वो निकलेगा उसी के अंदर अंदर ले सकूं, क्योंकि अभी ज़्यादा आपको पता है इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो ले नहीं सकती अभी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, जब कभी चैनल ग्रो कर गया, जब कभी यूट्यूब से हम भी कमाने शुरू हो गए, तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छी डिवाइस ले लूँगी, अच्छा सेल्फोन या अच्छा कैमरा, तब जाके। वो तो बात की बहुत आगे की, पता नहीं अल्लाह जानता है कि कब ऐसा टाइम आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी इससे काम चलाऊंगी। तो अभी ये है कि मैंने कहा ये एक मैं क्लिप बना के बताती हूँ कि हो सकता है कि देखने वालों को एकदम से वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगे, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो इस पर बना देती हूँ कि मेरा ये मोबाइल का थोड़ा इशू आ रहा है। तकरीबन 3-4 दिन से वैसे ये प्रॉब्लम चल रहा था कि उस मोबाइल में प्रॉब्लम आया था, शायद मैंने लास्ट टाइम ना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ना कुछ ऐप्स मेरी थी वो भी ओपन नहीं हो रही थी, और जिनसे इससे कॉल वगैरह जिनसे वो भी नहीं किसी को मैं कर पाती थी। तो फिर मैं जब मैंने चेक कराया शॉप पे, तो उन्होंने कहा जब इसका हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि मे बी इसका सारा जो डाटा है वो इसमें से ना डिलीट हो जाए, तो आप इसको कहीं सेव कर लें, तो उसके बाद फिर आप इसको अपडेट करने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका सारा डाटा आप सेव कर चुकी होंगी तो फिर इतना इशू नहीं होगा। तो पहले आप सेव कर लें, तो फिर उसके बाद आप मोबाइल हमें चेक करवा दें। तो मैंने कहा चेक करवाना, आप इसको आप सेल कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बैटरी हेल्थ भी थोड़ी सी है ना वो उसकी थोड़ी डाउन हो चुकी थी। तो मैंने कहा अभी निकाल दूँ, अच्छी कीमत में निकल जाएगा, तो इसी रेंज में मुझे जो है ना ये तो PTA अप्रूव में अभी सेलफोन यूज़ कर रही थी, लेकिन हो सकता है इस रेंज में मुझे नॉन PTA जो है वो मोबाइल मिले, क्योंकि PTA अप्रूव तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो मेरा दिल है कि इसी के जितने में सेल करूँ उसी रेंज के अंदर अंदर मैं कोई सेलफोन ले लूँ। तो बस ये छोटा सा जिनसे मेरी प्रॉब्लम थी मैंने आप लोगों से शेयर की है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए, उसी से हम लोग आगे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तो अभी अल्लाह हाफिज़।